स्टोरी विद बिना का हाजिर है रोचक जानकारी। आज मैं आपको लिए चलती हूँ उन शापित जगहों पर जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, कदम रखते ही मंडराने लगता है मौत का खतरा। अगर आपका कलेजा मजबूत है और आपको रोमांच का भी शौक है, तब भी भारत के इन जगहों पर जाने से पहले हजार बार सोच लें, क्योंकि ये जगह है शापित और यहाँ पर रात के समय होती है कुछ रहस्यमयी और खतरनाक घटनाएं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ राजस्थान के किराड़ू मंदिर में। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है किराड़ू का मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये शापित है। एक साधु के श्राप के कारण यहाँ पर लोग शाम ढलने के बाद नहीं ठहरते। कहते हैं कि यहाँ जो रात को ठहरता है वो या तो पत्थर का बन जाता है या फिर उसकी हो जाती है मौत। नंबर दो, डाउ हिल सिक्किम। दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है कुर्सियांग। अंग्रेजी में कर्स का मतलब होता है श्राप। इसी कर्स शब्द से इस जगह का नाम पड़ा, कुर्सियांग यानी शापित जगह। ये बात यहाँ के डाउ हिल पर जाकर पता चलता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जंगल में एक सिर कटा व्यक्ति घूमता है। रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना अपनी मौत को आमंत्रण देना है। कहा जाता है कि डाउ हिल के अलावा यहाँ के कुछ और भी स्थान हैं जिसे हॉन्टेड माना जाता है। इसीलिए जब भी कभी आप इस हिल स्टेशन पर घूमने जाएं, तो रात के समय कोई भी लापरवाही ना करें। नंबर तीन, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है ये भानगढ़ का किला। इस किले को कुछ लोग प्रेत बाधित तो कुछ लोग तांत्रिक द्वारा शापित मानते हैं। ये किला वर्षों से एक रहस्य है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात के समय प्रवेश वर्जित कर रखा है। ये किस कारण से है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं कि यहाँ रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर चार, हारंगुलल। यह है महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित हारंगुलल गांव। कहते हैं कि यहाँ से 15वीं शताब्दी में काले जादू से डायन बनने की परंपरा शुरू हुई थी। आज भी ये गांव डायन के डर के साए में जीता है और कई चीजें यहाँ पर रात के समय करने की मनाही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति रात के समय पेड़ के आसपास या पेड़ के नीचे या ऊपर नहीं सोता, पेड़ में कील भी नहीं ठोकता है और न ही पेड़ के पास मूत्र विसर्जन कर सकता है। माना जाता है कि ऐसी गलती करने पर डायन उसका बुरा हाल कर देती है। नंबर पांच, शापित गांव कुलधारा। जी हाँ, जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये शापित गांव कुलधारा, जो कि 1825 से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि ये कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात में भूत प्रेतों की और अजब अजब सी आवाजें आती है, इसीलिए इस गांव में रात के समय कोई नहीं जाता। नंबर छह, जटिंगा वैली। ये वैली है असम की एक वैली जिसका नाम है जटिंगा वैली। इस स्थान का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस स्थान पर एक अजब सी घटना होती है। अंधेरी रात में यदि यहाँ कोई पक्षी आ जाए
तो वो कर लेता है आत्महत्या। आप जब भी इधर जाएंगे आपको हर तरफ यहां पर मरे हुए पक्षी नजर आएंगे। नंबर 7, निधि वन मथुरा। यह है मथुरा का एक वन जिसका नाम है निधि वन। कहते हैं कि यहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा गोपियों के संग रास रचाते हैं। इसीलिए शाम के ढलते ही इस वन का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और पशु पक्षी भी इस वन से चले जाते हैं। मान्यता है कि जो भी इस वन में रात के समय रह जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपनी सुध-बुध खो देता है। नंबर 8, पोहरी का किला। मध्य प्रदेश के पोहरी कस्बे में लगभग 2100 साल पुराना वीर खंडेराव का एक किला है। इस किले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रात इस किले से घुंघरुओं की आवाजें आती है। कहते हैं कि किले में आज भी रात के समय खंडेराव की सभा लगती है और उस सभा में होता है नर्तकियों का नृत्य। इसीलिए शाम ढलने के बाद लोग इस किले के आसपास भी नहीं फटकते। नंबर 9, कलिंजर का किला। इस किले का नाम भी हॉन्टेड में आता है। कहा जाता है कि कलिंजर का किला बहुत ही भयावह है और यहां पर रात में जाना वर्जित है। कहा जाता है कि पद्मावती नाम की एक नर्तकी की आत्मा इस किले में घूमती है और आज भी इस खूबसूरत नर्तकी पद्मावती के पायलों की आवाजें हर रात इस किले में गूंजती है। नंबर 10, रूपकुंड। यह है उत्तराखंड स्थित रूपकुंड। यहां हर तरफ आपको नर कंकाल दिख जाएंगे। इन नर कंकालों का क्या रहस्य है ये कोई नहीं जानता और न ही आज तक इसे कोई जान पाया है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा तो कुछ इसे वैज्ञानिक कारण मानते हैं, लेकिन ये रहस्य अब भी बरकरार है। यहां रात तो क्या, दिन में जाना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यहां के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। ये थी जानकारी उन जगहों की जो है शापित। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर जानकारी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी और रोचक जानकारी या किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।